गुथैमा रोटी। गुथमा रोटी देखिए बड़ी स्पेशल रोटी होती है। किस तरीके से बनेगी, जो सिंपल गेहूं का आटा लगा होता है इसको हम टाइट थोड़ा कर लेंगे, अगर नरम है तो। ये टाइट आटे से बनेंगी। अभी 2 लोई का आटा है, इसमें कम से कम 2 या 3 रोटियां बनेंगी हमारी। इस आटे में हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे ऊपर से। इसको ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा उंगलियों से, फिर उसमें हम डालेंगे, ये देसी घी में बनेगी, देसी घी ऊपर से लगेगा रोटी पे, ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे देसी घी। इस रोटी आटे में हम हल्का सा नमक मिला लेंगे, 2 या 3 रोटी के हिसाब से आप देख लीजिए। नमक हल्का सा, इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी इसमें डलेगी चुटकी भर हींग को। घी, नमक, मिर्च और हींग को हमें अच्छे से आटे में मिलाना है, जिस तरीके से अच्छे से आटा और नमक सब कुछ मसाले मिल जाए इसमें। अगर आटा थोड़ा पतला है तो इसको सूखा आटा डाल के टाइट कर लें। नमक पर जिसमें मिल जाए, अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो खाली नमक की भी बना सकते हैं इस रोटी को। जितना अच्छे से कैसे करेंगे, बहुत अच्छी रोटी बनेगी हमारी। चिकना करके हम रख लेंगे, बनाएंगे तवा गर्म होने रख देते हम। अब इसमें से जो लोई लेंगे, कम से कम जो 2 लोइयाँ बनती हैं उसकी 1 लोई बनाएंगे हम। 2 रोटियों की 1 रोटी, थोड़ी बड़ी लोई लेंगे हम। इसको फिर सूखा आटा लगा के गोल गोल हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। बस इतना ही बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और थोड़ी मोटी ही रखनी है लोई को। होने पे इस पर डालेंगे। अब इस रोटी को हम इस पर डाल देते हैं। इतने हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं, 1 लोई और ले लेंगे इसमें से। लोई को इतने ही साइज में लेनी है, देखिए इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके एक और बेल लेंगे। इसको पचने देंगे रोटी को इतने। अरे सिक्की नहीं सिक्की, ये पच गई है देखिए। इसको इस साइड से हम पलट देंगे। अब इस रोटी को कच्ची में ही, थोड़े गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब इस गुठैमा रोटी में हाथ से हमें रोटी को हल्का हल्का इस तरीके से उठाना है। हाथ से बहुत गर्म लगता है, तो आप इस किसी भी चीज़ की चिमटा वगैरह की सहायता से हल्का हल्का इसको ऐसे ऐसे, जैसे गोथते हैं रोटी को, तो गोथना है गोल गोल। यही गुठैमा रोटी है और ये बहुत टेस्टी बनती है, करारे चिप सकती है। और वैसे इसको हाथ से ही अगर कोई कर सकता है तो गैस को बिल्कुल स्लो करके हाथ से गोल गोल अच्छे से शेप दें इसको। बस रोटी को जब चूटी मारते हैं इस तरीके से हमें उठा उठा के रोटी को करना है। नीचे से ना हो बिल्कुल ऊपर ऊपर से जो कच्चा आटा होता है उसको इस तरीके से हमें देना है। सारी रोटी हमने गोथ दी है, पूरी चारों तरफ इसके हल्के हल्के ऐसे गोथना है इसको हाथों से। ये गुथ चुकी है और देखिए पीछे से सिक चुकी है रोटी। अच्छे से इसको करारी पीछे से सिकने दें। अब गैस तेज कर लेते हैं, रोटी को देख लेते हैं कि पीछे से पची है कि नहीं पची। रोटी हमारी देखिए पीछे से अच्छे से पच गई है। अब इसको हम गैस पे सेकेंगे। दूसरी रोटी हम इस पे डाल देते हैं, इस तरीके से दूसरी रोटी डाल देते हैं। और रोटी को बहुत देर तक धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से सेकना है हमें। बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए रोटी। इसको नॉर्मल रोटी से 2-3 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो अच्छे से इसको सेकना पड़ेगा। इस रोटी को अच्छे से उठा उठा के सेकना है ताकि रोटी काली भी ना हो, हमारी लाल लाल रोटी सिके। ये गुथमा रोटी है, इसको सिकने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, आप इसको किसी दाल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं या सिंपल भी, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। रोटी हमारी लाल होने लगी है, इसको और भी करारी, जितनी करारी कर सकते हैं आप उतनी करारी करिए। पीछे की साइड से हमने एक तवे पे ही पचा ली थी, तो पीछे से ना सेकें, थोड़ा बहुत हल्का हल्का सेक के। ये देखिए रोटी हमारी अच्छे से सिक गई है।
इसको उतार लेते हैं और दूसरी रोटी को हम पलट देते हैं इसी तरीके से, और गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। इसको भी कैसे गोतेंगे, इसकी गरम गरम है तो आप इसको इसी तरीके से अच्छे से कर लीजिए। पूरी तरीके से गोट लिया है। अब इसको हम पीछे से तेज गैस कर लेते हैं और फ्लेम को, और पीछे से भी इसको सिकने देंगे। पीछे से पच चुकी है, इसको भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। फ्लेम को हल्की मीडियम करके इसको हम सेकेंगे। जितना आप उठा उठा के इसको सेकेंगे उतनी ही अच्छी आपकी बनेगी, काली नहीं होगी रोटी। थोड़ा सा हम इसको घुमा के पीछे भी सेक लेंगे अगर कच्ची लगती है तो। ये देखिए रोटी का कलर बहुत अच्छे से आ रहा है इसका, तो और भी रेड हो रहा है। जितनी रेड करके सेकेंगे रोटी उतनी अच्छी बनेगी, काली ना हो, ध्यान रहे रोटी। इसको थोड़ा सा पीछे से भी सेक लेते, कच्ची लग रही है। इस रोटी की ये खासियत है कच्ची नहीं रहनी चाहिए रोटी, जितनी आप सेकेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। दोनों रोटी हमारी सिक चुकी हैं। अब इसकी मेन जो अच्छी लगनी है वो है देसी घी। इसमें अब जितना अच्छा देसी घी लगाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। करारी तो सिक्की होनी चाहिए, ऊपर से देसी घी का भी कमाल है काफ़ी इसमें। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम देसी घी लगाते जाएंगे अच्छे से, ताकि जो कुटी हुई जगह है उसमें देसी घी भर जाए अच्छे से। इसको इस तरीके से करके इसको हाथ की सहायता से हम ऐसे कर देंगे जैसे कि रोटी टूटे भी ना और खस्ता और इस तरीके से बने। इसी तरीके से दूसरे पे भी हम लगा लेंगे, इसी तरीके से कट लेंगे। गुथमा रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको आप खाली भी खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। पर आप इसको किसी दाल वगैरह के संग हम इसको सर्व करेंगे। हमने घर में कोई भी दाल बनाई हो, दाल हो, चटनी हो, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। इन रोटियों को हम दाल, चटनी, प्याज, हरी मिर्च के संग खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। आप इस रोटी को ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। इसको ज़रूर बना के देखिए। धन्यवाद।